माई चैनल फ्लेक्सी द GSD। थैंक यू फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। मतलब मैंने अपने लास्ट वीडियो पे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इतने व्यूज आ जाएंगे। मैंने कल वीडियो डाली शाम को और आज थोड़ी देर पहले मैंने चेक करा है तो उस पर मोर देन 110 व्यूज हैं। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं आपको अच्छा सा कंटेंट देता रहूँगा। तो आज के थंबनेल से और टाइटल से आपको पता लग ही चुका होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। हाँ जी, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि वाई माई डॉग डोंट ईट फूड। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हर डॉग ऑनर के लिए कि उनका डॉग खाना नहीं खा रहा, या अगर वो एक छोटा पप्पी परचेस करके लाए हैं किसी डॉग शॉप से या किसी फार्म से या किसी घर से, किसी के होम ब्रीडिंग से किसी लेकर आए हैं, तो जो उनका पप्पी है उधर तो एकदम अच्छा खासा खेलता हुआ बच्चा, एकदम खाता पीता बच्चा लेकर आए थे, बट घर आके वो खाना ही नहीं खा रहा। उसके बाद ऑनर्स के भी होता है, यार मैं लेकर आया हूँ इसको, इतना प्यार से मैं खाना खिला रहा हूँ, ये खाना नहीं खा रहा। तो इसी के बारे में आज बताएंगे, एक एक करके मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, उनका सोल्यूशन दे दूंगा कि वो कैसे खाएगा। अगर तो उसमें कोई मतलब डॉक्टर के पास जाने वाली बात होगी तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है। अगर होगा मैं वैसे बताऊँगा कि 90% आप घर पर सोल्यूशन निकाल लोगे उसका, उससे ही आपका डॉग खाना खा लेगा। मैं भी इसके साथ बहुत बार ट्राई करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट रीज़न है ये सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिनमें आप पप्पी को परचेस करके ला रहे हो या किसी बड़े डॉग को परचेस करके ला रहे हो और वो घर आके खाना नहीं खा रहा। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप उस पप्पी को कहीं और से, जिसके साथ वो एक महीना खेलता था खाता था, या अपनी मदर से दूर होकर आया वो आपके पास में, इसलिए वो कुछ 2-4 घंटे के लिए रहता ही है, वो खाना नहीं खाता, बट बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। बट अगर बाद में भी वो खाना नहीं खा रहा तो आप ब्रीडर से पूछिए जिससे आप लेकर आए हैं या जहाँ से भी आप लेकर आए हैं, उनसे पूछिए कि ये खाना क्यों नहीं खा रहा, आप इनको क्या खिलाते थे, उनसे पूछे कि वो उसको क्या खिलाते थे, वही चीज़ आप इसको खिलाइए। अगर फिर भी नहीं खाता उस केस में आपको अपने डॉक्टर के पास इसको लेके जाना पड़ेगा। आपको एक डॉक्टर का विजिट ज़रूर लेना चाहिए कि मेरे पप्पी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसको कोई ठंड तो नहीं लग गई, या इसको कोई पेट में गर्मी तो नहीं हो गई। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ इसको ये करना, तो उसमें आप इसको एक वेटरनरी का विजिट कराइए जिससे। सेकेंड रीज़न क्या होता है कि आपका डॉग को आप खाना ही नहीं खिला रहे जो वो चाहता है। जैसे अगर उसको चपाती खानी है और या कर्ड खाना है तो आप उसको सिर्फ फीड खिला रहे हो, डॉग फीड, या उसको वो वाले ब्रांड की फीड खिला रहे हो जो उसको पसंद ही नहीं है। आपका डॉग जो पसंद, जो कौन से ब्रांड की फीड आप खिलाना चाहते हो, जो आपको पॉकेट को अलाउ करती है, अब वो खिलाओ। बट ऐसा नहीं है कि डॉग खाना ही ना खाए, आपके पैसे वेस्ट जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंडीशन वैसी होनी चाहिए जिसमें आपकी पॉकेट भी अलाउ कर जाए कि हाँ ये फीड इसके लिए बेस्ट है, मेरी पॉकेट भी अलाउ कर रही है और आपका डॉग भी मनपसंद अच्छे से खाए। अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए, जब मैं इसको परचेस करके लाया था ना, तो जहाँ से मैं लाया था वो इसको सेरेलैक देते थे, मैंने इसको सेरेलैक ही खिलाया। बट फिर मेरे को लगा यार ये तो ग्रोथ ही नहीं कर रही है, मैं इसको खाना देता हूँ, दिन में 4 बार मैं इसको सेरेलैक देता था। फिर मैंने किसी ऐसी पेट शॉप से पूछा, नॉन पेट शॉप से, उन्होंने बोला क्या खिलाते हो, मैंने बोला जी मैं सेरेलैक, कहते हैं आप सेरेलैक खिलाओगे तो उसकी हेल्थ कैसे बढ़ेगी, अब उसको स्टार्टर देना शुरू कर दो। तो मैंने उसको फिर मदर एंड पप स्टार्टर देना शुरू करा। जब मैं पहले दिन उसको मदर एंड स्टार्टर दिया ना, उस टाइम इसने बड़े अच्छे से बड़े चाव से सारा खाना ख़त्म कर लिया, मतलब ऐसा कि ये खाने में गिर जाएगी, इतना ज़ोर से खानी थी फास्ट। बट अगले दिन ही मैंने जब उसको दोबारा दिया ना, तो इसने सूंघा और पीछे चली गई। मैंने कहते ये क्या हो गया, मैंने चलो कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा होगा अभी, मैंने छोड़ दिया। मैंने जब थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करा, तभी भी नहीं खा रही थी, एकदम मतलब सुस्त सी हो गई, सोई रहती थी पूरा दिन। फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया, जब इसने पूरा एक दिन खाना नहीं खाया, डॉक्टर ने चेक करा यहाँ पे हाथ लगा के पेट पे, कि उन्होंने बोला पेट तो भरा हुआ है इसका, पेट कैसे भरा हुआ है, इसने सुबह से खाना ही नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा दही खाती थी बस ये। तो उन्होंने बोला कि आप इनको क्या देते थे खाने में, मैंने बोला मैंने इसको स्टार्टर दिया है, फर्स्ट टाइम दिया था अभी, उसके बाद से इसने खाना छोड़ दिया। उन्होंने बोला कितना दिया था, मैंने बोला मैंने इसको 80 ग्राम स्टार्टर दिया था। तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं ये तो बहुत गलत हमने कर दिया, इसको अभी स्टार्टर बहुत कम देना था, अराउंड 15-20 ग्राम देना था, अपने एकदम से बहुत ज़्यादा स्टार्टर दे दिया, उसकी वजह से ही इसका पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है या इसके पेट में गैस हो गई है। उस केस में आपको डिजिटॉन देनी होती है। एक मैं आपको वीडियो दूंगा आगे फ्यूचर में कि व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग अ न्यू पपी, कि अगर आप एक नए पपी परचेज कर रहे हो तो साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
उसमें एक चीज होती है डिजिटॉन, डिजिटॉन होती है पेट के, जैसे हम डाइजेशन अगर बिगड़ गया है तो उसके लिए, जैसे हम लोगों की आती है डाइजीन इंसानों की, इनकी आती है डिजिटॉन, अलग अलग तरह की कंपनियाँ बनाती हैं, उन्होंने फिर वो दी तब जाके इसने खाना खाना शुरू किया था। तो यही है सेकंड रीजन में कि आपका डॉग को आप वही खिलाइए जो उसको पसंद है, और इतना भी मत खिलाइए कि वो खाना खाना ही छोड़ दे। इस रीजन में एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अगर एक मैं फ्री की एडवाइस समझ लो कि जैसे अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि मैं कितना खाना मेरे डॉग खा सकता है, कितना डाइजेस्ट कर लिए, तो आप उसे हमेशा एक कप ले लो, चाय पीने वाला जो कप होता है छोटा कप, आधा कप उसको दो। मेरे हिसाब से वो एक कप 50 ग्राम से 100 ग्राम का लगा लो, पूरा कप होता है वो। एक 45 या 50 डेज के पपी को आप वो आधा कप फीड खिलाओ, जब तक उसका पेट, यानी ये चीज़ जो ये बैली चीज़ होती है इसकी, जर्मन शेफर्ड की, किसी भी डॉग की, ये जब फूल जाए ना, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ों में नहीं होता ऐसे, जब फूल जाए तो समझ लीजिए आपका डॉग का पेट भर चुका है। आप उसे और खिलाओगे तो वो और भी खाएगा, बट हमने और नहीं खिलाना। उससे क्या होगा, हम और खिलाएंगे तो वही जो नशा दुआ था वो खाना छोड़ देगा, या चूँ चूँ करता रहेगा, उसके पेट में गैस बन जाएगी, ऐसे बहुत रीज़न होते हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड रीज़न पे। थर्ड रीज़न जो रहता है उसमें जो प्रॉब्लम होती है, उसमें होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम या लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक की बिगड़ चुका है डॉग का, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहा। इसमें अगर डॉग बिल्कुल ही छोड़ दे, हमने उसको ट्रीट्स भी ट्राई कर दी, हमने जैसे हमने उसको डॉग खाना दिया, हमने उसको उसने नहीं खाया, हमने उसकी बिस्किट या फिर कोई स्टिक्स वगैरह उसको देते हैं, या कोई और तरह की ट्रीट हम देते हैं एक्स वाई जेड, वो उसकी टॉपिंग्स हमने उस पर कर दी फिर भी नहीं खा रहा, हमने उसको ग्रेवी दे दी, चिकन ग्रेवी या कुछ भी, एवरीथिंग, कोई भी एक्स वाई जेड हमने कुछ भी दे दिया फिर भी नहीं खा रहा, तो 100% हमें श्योर हो जाता है कि इसके कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है। इसके जो हेल्थ इश्यू रहते हैं वो मेनली तीन तरह के रहते हैं जो हर डॉग में कॉमन पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, या लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम। इन तीनों में अगर किसी एक में भी प्रॉब्लम होगी तो डॉग खाना खाना छोड़ देगा। इसके इसमें एक स्पेशलिस्ट वेटरनरी की एडवाइस आपको बहुत ज़रूरी है आपके डॉग के लिए। अगर आप ऐसी किसी भी वेटरनरी के पास ले जाओगे तो वो फिर नहीं चेक कर पाएगा अगर इन तीनों में प्रॉब्लम होगी तो, बट अगर आप उसको जानते हो कि हाँ ये अच्छा डॉग है, अच्छा वेटरनरी, अच्छा डॉग्स का वेटरनरी है, तो उनके पास ही लेके जाइए, ऐसी किसी के पास मत लेके जाइएगा, मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा। उस केस में ऐसा क्या होता है कि वो उसको मेडिसिन देंगे या कोई भी इंजेक्शंस लगाएंगे या ड्रिप लगाएंगे, जिससे उसके एंटीबायोटिक्स देंगे, जिससे उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो क्लियर आउट होगी, स्टूल से बाहर आएगी या यूरिन पास आउट करेगी तो बाहर आएगी, तो उसमें आपके डॉग थोड़ा सा थोड़े दिन वीक रहेगा बट उसके बाद वो खाना खाना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, ये तीन बेसिक रीज़न थे जिसकी वजह से आपका डॉग खाना नहीं खाता। अगर ये आप चेक कर लें पूरा अच्छी तरह से, ये जो मैंने आपको बताया वो करें, तो इससे आपका डॉग, मेरे को तो लगता है कि खाना खा लेगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने दो डॉग पाले हैं, पहले एक डॉग पहले भी पाला हुआ है, एक ये है, दो हो गए मेरे पास, पहले एक पाला था, उसकी फ़ोटो आप देखो स्क्रीन पे, ये सीज़र है मेरा पग। तो बस आज के लिए इतना ही। अब लास्ट वीडियो से मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही दीजिएगा। और जो नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ये एक डॉग रिलेटेड चैनल है। अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो मैंने डाली हुई है, उस पर आप जाके इस चैनल के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा सारा कुछ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियोज़ को, और शेयर कर दीजिए, जिससे शेयर करने से ही मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, शेयर करने से मेरी वीडियो जो है और लोगों तक पहुँचेगी। तो थैंक यू माई फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।